तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल वीएस में और मैं हूं शुभम। दोस्तों फाइनली आपको पता ही होगा, नीट वाले स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये वीडियो है कि नीट का जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या थी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। तो दोस्तों जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं किए हैं, तो जो कर दिए हैं उनको आगे क्या करना है, जो अभी तक नहीं किए हैं उनको क्या करना है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों पहली बात, जो अभी तक नहीं किए हैं यार, तो जल्दी से जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप 15 नवंबर तक या 15 से 20 नवंबर तक करते हो यार, तो आप बहुत फायदे में रहोगे। और जो स्टूडेंट सोच रहे अभी तो बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है, 30 नवंबर तक भरेंगे तो भरेंगे, नहीं तो फिर क्या है। तो दोस्तों उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ यार कि जो 15 से 20 नवंबर तक बढ़ते हैं उनके लिए दो फायदे ही फायदे हैं। पहला फायदा नंबर एक क्या है कि वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चों की बढ़ोतरी होती है, बात आपको पता ही है मेडिकल फील्ड में। तो यार और जो सेंटर है एग्जाम सेंटर, उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, केवल उन्हीं में जितने एग्जाम सेंटर है उन्हीं में उन स्टूडेंट को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यार इसकी वजह से आपको भी गड़बड़ी हो सकती है कि आपको 4 सेंटर भरने होते हैं, उन 4 में तो मिलेगा एक ही, और पता नहीं क्या पता कि आपको आपके पसंद का मिलता ही मिलता है। इसलिए आप अगर 15 से 20 या 10 से 15 के बीच भरते हो यार, तो आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल सकती है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ये है कि जब आप फॉर्म भरते हो यार, तो वेबसाइट में लोड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नजदीक लास्ट डेट आती जाती है वैसे उसमें क्या कहते हैं फॉर्म डेट में जो होता है वेबसाइट में क्या होता है, जो एनटीए की वेबसाइट है उसमें वो साइबर कैफे वाले ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसमें जमा हो जाती है, इसलिए वो जो वेबसाइट जो होती है स्लो चलने लगती है, उसका सर्वर डाउन चलने लगता है, इससे कभी कभी पेमेंट भी नहीं हो पाता, और पेमेंट हो भी जाता है तो आपका फक्टेज पूरी भी नहीं दिखाता, मतलब कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, फिर आप यार उस कंडीशन में बहुत घबरा जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी तक नहीं भरे हैं प्लीज भर दे। और फोटो कैसी होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और फोटो पर आपका डेट लिखा रहना चाहिए 2018 लगभग अभी से, एक 15 दिन पहले 15 दिन 20 दिन पहले की फोटो होनी चाहिए, तब तो ठीक है। और जो अभी तक नहीं किए और जो अब फॉर्म भर चुके उनको क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं उन स्टूडेंटों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म जरूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी गलती कर दिए होंगे तो वो यार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ अपना एक बार तो फॉर्म चेक कर लें। दूसरी बात कि जिनकी गलतियां हो गई हैं वो क्या करेंगे, जिनकी गलतियां हो गई हैं वो 14 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच लगभग अभी फिर 2 महीने बाद की बात में बोल रहा हूँ, वो उस टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही करवा सकते हैं जो भी गलतियां हुई हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, बस नीट वाले स्टूडेंट को मैं यही देना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़ो मेहनत करो, बस हो गया, ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे आपको यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको कोई और समस्या होती है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट नहीं करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करें, और बस आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था।